नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे राम सैनी YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं रामायण से जुड़े 10 ऐसे रहस्य लेकर आया हूं जिनके बारे में शायद आप भी नहीं जानते होंगे। दोस्तों, अगर आप भी एक हिंदू हैं और आपको रामायण से जुड़े रहस्यों में रुचि है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय व्यतीत किए। भगवान राम और माता सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन जिस महाकाव्य में किया गया है उसे रामायण के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी। नंबर एक, रामायण के हर हजार श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। नंबर दो, राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। श्री राम के माता पिता में भाइयों के बारे में तो प्राय सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। वे चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनकी कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी बेटी शांता को आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए और उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण किया। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बात कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए। उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में खेती की जुताई में राज्य दरबार की ओर से मदद प्रदान करें। फिर भी वो अपनी पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने से ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रोधित हुए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद श्रृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलियान पानी से भर गए। इसके बाद श्रृंग ऋषि का विवाह भी शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋषि श्रृंग ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था और वहां आज भी उनके आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियां हैं। नंबर तीन, श्री राम विष्णु के अवतार है तो आखिर उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार बताया जाता है जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंखसेल का अवतार माना जाता है। नंबर चार, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम विनायक था। नंबर पाँच, लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उसे समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उसे ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद ना आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो मैं तुम्हें यह वरदान दे सकती हूँ। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के पास पहुंची और उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक वह अपनी ओर लक्ष्मण की निद्रा को भोगती रही। नंबर छह, उस जंगल का नाम जहाँ राम लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे क्या था उसका नाम? रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों तक के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हमें से अधिकांश लोगों को पता है
कि राम लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम लक्ष्मण और सीता ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था। इसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। उस समय ये वन सबसे भयानक राक्षसों का निवास स्थान माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहां दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। नंबर 7, लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं, जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वह हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है। मरते वक्त मारीच प्रभु श्री राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता को पुकारने लगता है। ये सुनकर माता सीता लक्ष्मण से आग्रह करती है कि वे अपने भाई की मदद के लिए जाएं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले जंगल में छोड़कर जाने को राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार सीता द्वारा अनुरोध करने पर वह तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता से अनुरोध किया कि वह रेखा के अंदर ही रहे, और यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य यह है कि इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। नंबर 8, रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। रावण सभी राक्षसों का राजा था। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुख्ता जानकारी कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का कारण क्या था? क्योंकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। हालांकि रावण इस कला को ज्यादा महत्व नहीं देता था, लेकिन उसे यंत्र बजाना पसंद था। नंबर 9, इंद्र के ईर्ष्यालु होने के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। इसका शरीर बहुत ही विकराल था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता और फिर वापस 6 महीने के लिए सो जाता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात का डर था कि कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले, अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वे कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाएं, जिससे वे इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। नंबर 10, नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम का पुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी लाखों वर्ष पहले की है। हाल ही में नासा ने एक पाक जलडमरू मध्य में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है और शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण काल में वर्णित पुल के निर्माण से मिलती है। नासा के उपग्रह द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल कहा जाता है और उसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है।